हज़रात सलामुन अलैकुम। अय्याम अज़ा को लेकर आल इंडिया शिया फसला बोर्ड की एक मीटिंग 23 जून शब में 8:30 बजे मुनक्किद हुई थी ऑनलाइन जूम के ऊपर, जिसके अंदर पूरे मुल्क के हजरात उलमा, खुतबा, ज़ाकरीन, वाइजीन और कौम के ज़िम्मेदार हजरात ने शिरकत की थी। और इस सिलसिले में मैं मुसलसल तमाम सूबों में राबता कायम कर रहा हूँ कि अय्याम अज़ा को लेके क्या लायमल बनाया जाए। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत और ख़ास तौर से मराजाए किराम, चाहे वो नजफ़ अशरफ़ इराक में हो या वो कुम मुक़दस ईरान में तशरीफ़ फरमा हो, हम उनसे भी रबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है हमारी कि एक एक दिन जो गुज़र रहा है वो अय्याम अज़ा करीब आ रहा है, उसके लिए लायमल हमको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि अज़ा खाने सूने भी ना रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अज़ादारी हो। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ये भी नहीं चाहता है कि हुकूमत से, ज़िला इंतज़ामिया से हमारी कौम के बच्चों का टकराव हो जाए। जो मजहबी जज्बात कुछ लोग अगर से भड़का दें और टकराव हो जाए, उससे उनके FIRs हो, और जब अय्याम अज़ा तमाम हो जाए तो पुलिस उन बच्चों को गिरफ़्तार करे, उनके ऊपर मुकदमात लगे और वो अपनी ज़मानत कराने के वास्ते इधर उधर दौड़ते रहें, हम ये भी नहीं चाहते। लिहाजा इसके वास्ते मैं आज आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। ये गुजारिश आल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से है, मेरी ज़ाती जानिब से नहीं है। वो गुजारिश ये है कि जो आल इंडिया शिया फसला बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी के या अहदेदारान या मेम्बरान हैं, वो अपने ज़िला इंतज़ामिया को फौरन आज़ादारी के लिए लेटर लिखें कि मुहर्रम शुरू हो रहा है और उसके लिए हमारे वास्ते क्या लायमल है, ताकि कम से कम आपका एक लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ज़िला प्रशासन को, या जहां कमिश्नरी हो वहां कमिश्नर को, या सूबे के वज़ीर आला या दूसरे ज़िम्मेदारान को जाना चाहिए, ताकि अगर से हमको परमिशन नहीं मिली खुदा ना खास्ता और हमें कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तो उसके वास्ते ये हमारा पहला स्टेप है। मैं चाहूँगा आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर से अपनी मातमी अंजुमनों से, हजरात उलमा, खुतबा, ज़ाकरीन और वाइज़ीन से, कि आप तमाम हजरात अपने ज़िले के ज़िम्मेदारान के साथ में मिलके इंतज़ामिया से फौरन मिलें और ख़ाली ज़बानी नहीं, वर्बली नहीं, रिटन एक तहरीर दें परमिशन के वास्ते। और इंशाल्लाह जैसे ही इंशाल्लाह एडवाइज़री जारी होगी आपको इत्तला कर दी जाएगी।